धौलपुर में केंद्रीय आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त परियोजना मिशन उत्कर्ष के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्कर्ष मिशन परियोजना के सह अन्वेक्षक डॉक्टर अभिजीत कुमार ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य एनीमिया की रोकथाम करना है। रोकथाम हेतु एक संयुक्त परियोजना जो है वो लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा, और उसके अंतर्गत धौलपुर जिले में जो है लगभग 9,654 किशोरी बालिका जो पोषण ट्रैकर के तहत रजिस्टर्ड है, उनको जो है कुछ आयुर्वेदिक दवाई जो है जैसे द्राक्षावले है, पुनर्नवादी मंडूर है और कृमी मुद्गरस, ऐसी 3 दवाई जो है लगभग 3 महीने तक दी जाएगी। और उनमें हमारा प्रयास यही रहेगा कि इन दवाई के माध्यम से उनमें जो एनीमिया हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए जो है ये भारत सरकार प्रयास कर रही है। 14 से 18 साल की जो किशोरी बालिकाएँ हैं उनमें एनीमिया को रोकथाम करना है, उनको एनीमिया दूर करना है। और ये जो पोषण ट्रैकर एक माध्यम है उसके द्वारा हमने 14 से 18 साल की किशोरियों को चयनित किया गया है, और इसके द्वारा हम कुछ आयुर्वेदिक की दवाइयों के माध्यम से हम इनके एनीमिया को मुक्त करेंगे।